भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है और रांची के लोअर कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। हमारे साथ दयानंद सिंह हैं जो कि पूरे मामले को देख रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से जो है पक्ष रख रहे हैं। सर, पूरा मामला क्या कुछ है, पूरा मामला कैसे उजागर हुआ और क्यों ये शिकायत की गई? देखिए, ऐसा है कि जो इसमें तीन एक्यूज पर्सन है, आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उनके डायरेक्टर मिहिर दिवाकर, सौम्या दास, तो इसमें मिहिर दिवाकर 2017 में धोनी के पास आए और उनको बताए कि भाई हम आपके नाम से एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी खोलना चाहते हैं इंडिया में और एब्रोड में, उसके लिए आपको जो है हम लोग जो भी फ्रेंचाइजी फीस आएगा वो सारा देंगे आपको जो है, और उसमें जो अलग से ये रहेगा उसमें 70% 30% हम लोग एक्सपेंस काट करके ये करेंगे। तो उनके बातों पर विश्वास करके एमएस धोनी ने उनको अथॉरिटी दे दिया कि ठीक है आप मेरे नाम से जो है ये क्रिकेट एकेडमी खोलिए। शुरू में तो ठीक था, वो पेमेंट देते थे, उसके बाद जो है ना कोई जानकारी देते थे ना धोनी जी को कोई पेमेंट देते थे जो है। तो फिर 15/8/2021 को धोनी जी ने जो अथॉरिटी दिया था वो रिवोक कर लिया। उसके बावजूद ये जो है एमएस धोनी के नाम पर एकेडमी खोलते रहे, लोगों से जो है पेमेंट मांगते रहे जो है, ले करके खुद रखते रहे, और धोनी जी को हमारे अनुमान के अनुसार जो है 15 करोड़ से ज़्यादा का आर्थिक क्षति पहुंचाया। तो फिर हम लोगों ने नोटिस भी भेजा इनको 2022 में, उसके बाद भी हमारे को जानकारी मिली कि 10 से 12 जगह तक इन्होंने जो है एमएस धोनी के नाम पर जो है एकेडमी खोला, उनसे फीस लिया धोनी के नाम पर और धोनी जी को न जानकारी दी न कोई पेमेंट किया जो है। ये देश में खोला गया था कि देश के बाहर भी? देश में भी खोला गया था, कुछ जो है सेंटर जो है इंडिया से बाहर भी खोला गया था। तो इसमें जो धाराएं लगाई है, क्या कुछ धाराएं आपने लगाई? इसमें जो है 406, 420, 467, 468, 471 और 120B ऑफ इंडियन पेनल कोड की धाराएं लगाई गई हैं। जो करार शुरू में हुआ था उसमें क्या कुछ करार था और क्या कुछ उल्लंघन हो गए? देखिए, करार जो था राइटिंग में तो नहीं था, वर्बल हुआ था उसमें जो है, उसमें क्लियर कट उन्होंने एग्री किया था, उसके अनुसार कुछ दिन उन्होंने पेमेंट भी दिया था धोनी जी को, अकाउंट से पेमेंट किया था उन्होंने जो है। उसके बाद ना वो जानकारी देते थे, ना कॉल करने पर कॉल उठाते थे, और इनको कोई पेमेंट भी देना बंद कर दिया। वो जितनी जगह इनके नाम से अकेडमी खुलती थी क्रिकेट अकेडमी, वो सारा पैसा जो है फ्रेंचाइजी फीस और भी होते थे फीस, वो सारा खुद रख लेते थे और धोनी जी को कुछ नहीं देते थे, और अनुमान के अनुसार 15 करोड़ से ज़्यादा का ही आर्थिक क्षति गलत ढंग से पहुँचाया गया है धोनी जी को, और ये संख्या और बढ़ सकती है फ्यूचर में। अच्छा, मिहिर दिवाकर और सौम्या दास, इनका रोल क्या रहा था? देखिए, यही लोग आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, मिहिर दिवाकर भी हैं और सौम्या दास भी हैं। मिहिर दिवाकर जो है यही सारा कुछ करते हैं, सौम्या दास के साथ मिल करके जो है फ्रेंचाइजी बनाना कि हम एमएस धोनी के साथ मेरा अथॉरिटी लेटर है, वो पुराने अथॉरिटी लेटर को दिखाते हैं 2017 का, और जो रिवोक कर दिया है एमएस धोनी ने 2021 में उसके बारे में नहीं बताते हैं। तो ये लोगों के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, इसलिए मजबूर होकर के एमएस धोनी जी को जो है एक क्रिमिनल केस फाइल करना उनके अगेंस्ट में पड़ा। मतलब 2021 में ही महेंद्र सिंह धोनी ने अपना जो है करार तोड़ दिया था? हाँ, 2021 में ही जो अथॉरिटी उनको 2017 को दिया था उसे वापस ले लिया था। तो 2021 के बाद अगर वो उनका नाम यूज़ कर रहे हैं, कोई एकेडमी खोल रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं एज पर लॉ जो है, और लोगों के साथ भी वो धोखाधड़ी कर रहे हैं इनके नाम पर जो है। इस ये पिछले वर्ष ही मामला दर्ज किया गया था ना, 27 अक्टूबर? हाँ, ये 27 अक्टूबर 2023 को ये मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद आज के डेट में सीमांत लोहानी जो कि ऑथराइज पर्सन है एमएस धोनी के, वो आकर के आज सोलोमन इन्फॉर्मेशन ओथ दिए और सारी घटना जो है सक्षम न्यायालय के यहाँ उन्होंने प्रस्तुत किया। जो 20 जनवरी को अगली सुनवाई है, उसमें क्या कुछ होना है, स्टेटस क्या है अभी केस का? केस अभी इंक्वायरी स्टेज में है, 20/1/2024 को अब फिर एक विटनेस आएंगे, वो अपना वहाँ डिपोजिशन देंगे सक्षम न्यायालय में जो। उनके तरफ से जब आपने नोटिस भेजा कुछ जवाब आया था? उनके तरफ से जवाब आया था, सारी झूठी बातें उन्होंने कही थी जो। जैसे कि उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं अथॉरिटी मेरा नहीं रिवोक किया गया है, हमने ऐसे किया है, जो कि सारी बातें तथ्यों से परे है, तथ्यात्मक कोई भी बात उन्होंने नहीं बताई थी। अगर उनकी ओर से जो कैश की अगर बात करें, जो पैसे 15 करोड़ की बात की जा रही है, अगर 15 करोड़ दिए जाए तो क्या आप लोग केस वापस ले लें? नहीं, ये तो फ्रॉड एंड चीटिंग किया गया है ना, ये पैसे की बात नहीं है, कोई सेटलमेंट नहीं है, पैसे की बात ही नहीं ना। उन्होंने जो है सो इनके नाम को जो है बदनाम करने के लिए कोशिश किया जो है, इनके नाम का मिसयूज़ करके जो है उन्होंने गलत ढंग से पैसा लिया,
क्योंकि MS धोनी ने इनको ऑथराइज ही नहीं किया था ना। अब ये जाके लोगों से बोल रहे हैं कि हम ऑथराइज पर्सन हैं, MS धोनी ने हमको ऑथराइज किया है, जबकि रियलिटी में उन्हें ऑथराइज नहीं किया गया था। वो पैसा ले रहे हैं लोगों से जो है, और इनका नाम खराब कर रहे हैं। चाह रहे कि उन्होंने गलत किया है, बस सजा होना। बिल्कुल। महेंद्र सिंह धोनी की ओर से साफ कर दिया गया है कि इनके नाम का दुरुपयोग किया गया है, पूरे करार को जो है गलत तरीके से यूज़ किया गया। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी हैं, वो 2021 में ही अपने करार को जो है तोड़ दिया था, उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनके नाम का जो है प्रयोग किया जा था, और यह कह सकते हैं कि दुरुपयोग किया जा रहा था। और देश के साथ साथ विदेशों में भी एकेडमी खोले गए, और जिसकी जानकारी जो है महेंद्र सिंह धोनी को नहीं थी, इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। न्यूज़ बाय स्कोप लिए कैमरा विकास दास, नीरज कुमार, रांची।